ब्रिगेड कमांडर बनू ने ताजे बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात में जिला में पायदार अमन के क्याम और ताजों के दरपेश मिसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम पर तबादला ख्याल किया। कमांडेंट गोमल स्काउट्स ने शीराफुरा गांव के मलिक उमर शान से मुलाकात में इलाके में माशी इस्तेहकाम के लिए बंजर जमीनों को काबिले काश्त बनाने की तरगीब दी। मोहम्मद की तहसील अम्बारा में सिक्योरिटी फोर्सेज के तावन से गैर सरकारी तंजीम की जानिब से मुकामी किसानों को जदीद तरीके जरूरत से रोशनास करवाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तहसील दत्ता खेल के इलाके लैंड सईदाबाद में मुकामी यूनिट कमांडर ने साबका MNA मौलाना नेक समान के वालिद की वफात पर अहले खाना से ताज़ियती और मरहूम की रूह के एहसास और सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगोर अड्डा में मुकामी यूनिट कमांडर और अहमद जई वजीर कबीले के मशान के माबैन जिरगे में इलाके में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने और दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम पर तबादला ख्याल और अगजई के इलाके समा में असली हुकाम ने तलबा से मुलाकात में निसाबी सरगर्मियों के फरोग और तालीम की अहमियत और फादियत पर रोशनी डाली। वादी दीरा में मुकामी विंग कमांडर ने सपा कबीले के मशरान से मुलाकात में इलाके में अमन की फजा को बरकरार रखने और लोगों को दरपेश मिसाइल के हल के लिए मौसर इकदाम में शामिल। नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के तावन से कोलम के इलाके पवाड़ में जश्न आजादी वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जो 14 अगस्त तक जारी रहेगा।